नमस्कार दोस्तों, पैनी स्टॉक टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आलोक इंडस्ट्री के स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, आलोक इंडस्ट्री एक टेक्सटाइल की कंपनी है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। तो अभी अगर हम करंट प्राइस देखें तो देखिए 22.61 रुपये चल रहा है। कल के दिन में भी इसमें 3% की गिरावट देखी गई। जो ओपनिंग थी इसकी 22.50 रुपये थी और हाइएस्ट पॉइंट था 23.64 रुपये। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, 1 करोड़ के आसपास, और एवरेज ट्रेडेड प्राइस जो है इसका 22.70 रुपये का है। लोअर सर्किट 18 रुपये का है। अपर सर्किट जो इस ईयर में लगा है वो 27% के आसपास है, और अगर आप एवरेज रिटर्न देखें पूरे साल का 27% है। लेकिन अगर हम इसका एक हफ्ते का रिटर्न देखें तो देखिए ये नेगेटिव में ही है। हमें तकरीबन 5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर आप पूरे महीने की बात करें तो इसमें तकरीबन तकरीबन 8% की गिरावट देखने को मिली है। एब्सोल्यूट रिटर्न इसमें नेगेटिव में ही है। कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो अगर हम कंपनी जो है रिलायंस ग्रुप का पार्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल कंपनी ने, इन्होंने 2019 में इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। अभी रिलायंस की जो है 40% हिस्सेदारी है, और इसी साल जनवरी में रिलायंस ने तकरीबन को 3300 करोड़ रुपए दिए थे। तो उसके कारण क्या था, आलोक इंडस्ट्री के स्टॉक्स में 20% का अपर सर्किट देखने को मिला था। अगर अभी हम रेवेन्यू की बात करें तो देखिए ये 1300 करोड़ से घट के 885 करोड़ हो गया है। और अगर हम स्टॉक जो देखें, लगभग 7-8% डाउन है ही पिछले 1 महीने 1.5 महीने में। 6 महीने में स्टॉक तकरीबन 11% डाउन है, और आलोक इंडस्ट्री ने पिछले साल जो रिटर्न दिया था वो 20% के आसपास दिया था। और अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो आलोक इंडस्ट्री ने तकरीबन तकरीबन 1200% का रिटर्न दिया है। अब कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें 11,000 करोड़ का है। पिछले 1 साल का अगर हाई देखें तो तकरीबन 39 रुपये है, और लो देखें 16 रुपये है। पी रेशियो कंपनी का 0 है। इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने 0 अर्निंग दी है अपने इन्वेस्टर को। डेट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी के पास लेवरेज हाई है। परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज परफॉर्मेंस है, ऐसा कुछ आप इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा बम्पर रिटर्न्स नहीं दिए हैं। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से ओवर वैल्यूड थी, बट अभी प्राइस थोड़ा ठीक है। ग्रोथ की बात करें तो देखिए थोड़ा सा फाइनेंशियल जो भी इंडिकेटर है इसमें ये स्टॉक पीछे है। प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक तो ऐसा कोई खासी दिखाई नहीं है। एंट्री पॉइंट अगर भी स्टॉक की बात करें तो अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत इसमें अगर किसी के पास है तो एवरेज करने के लिए अभी ठीक है। अगर इसके पास्ट की परफॉर्मेंस देखें तो एक हफ्ते में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया, 1 महीने में 9% का नेगेटिव रिटर्न दिया, 3 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न दिया, 6 महीने में तकरीबन 18% का रिटर्न नेगेटिव में दिया, और 9 महीने में तकरीबन 24%। तो यानी कि इस स्टॉक में अगर आपने पैसे अपने डाले हैं तो आपको लॉस ही हुआ है। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो देखिए 5 साल में इसने 13% की ग्रोथ दी है। तो ये ग्रोथ जो दिखाई दे रही है आपको, ये रिलायंस के इन्वेस्टमेंट के कारण दिखाई दे रही है। बट अगर हम मोटा मोटा देखें जो अभी पास परफॉर्मेंस चल रही है पिछले 8-9 महीने से, वो नेगेटिव में ही है। वहीं अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए कंपनी के पास कैश कन्वर्जन साइकिल जो है नेगेटिव में है, एफिशिएंट है मतलब अभी इस टाइम पे, और प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो यानी कि जो प्रमोटर है उसका विश्वास है अपनी कंपनी में, और कंपनी का लेवरेज जो है वो अच्छी है अभी इस टाइम पे। कंपनी की लिमिटेशन की बात करें तो देखिए पुअर प्रॉफिट ही दिख रहा है। 3 साल में रेवेन्यू में भी कोई ग्रोथ नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ऑलमोस्ट 0 ही है, कैश फ्लो ऑपरेशन में नेगेटिव में है। और अभी जो इसका सेकेंड क्वार्टर आया था उसके रिजल्ट की बात करें तो तकरीबन रेवेन्यू इनका 1300 करोड़ का रहा था, तो इसमें आपको गिरावट देखने को मिली। टोटल इनकम में भी आपको गिरावट देखने को मिली है, 1300 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में तकरीबन 898 करोड़ है। लॉस जो है कंपनी का वो भी बढ़ा है सेम क्वार्टर में। तो देखिए रेवेन्यू घट रहा है, आपका नेट प्रॉफिट घट रहा है, इनकम घट रही है, कैश फ्लो घट रहा है, तो कंपनी के लिए नेगेटिव खबर ही है। और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है डिविडेंड की, बोनस की। तो अगर हम मोटा मोटी स्टॉक की बात करें तो देखिए स्टॉक में ऐसा है कि अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि कंपनी के देखिए ना सेल्स ग्रोथ भी आपको जो है नेगेटिव में ही है। पिछले 1 साल में देखिए -21। अगर आप प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो देखिए ये भी नेगेटिव में है। तो एज सच कोई प्रॉफिट ग्रोथ हुई नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको इक्विटी में कुछ दिया नहीं है कंपनी ने, 0-0 ही है। और अगर अब हम इसके कंक्लूजन की बात करें, देखिए इन सब चीजों की बात करें तो अभी तो देखिए तकरीबन इसका जो सपोर्ट है, जो फाइनल सपोर्ट है, 22 रुपए के आसपास है। इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा तो आपको तकरीबन 18 रुपए के आसपास अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक नहीं है। अगर इसका स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए आपको सिर्फ ट्रेडिंग के लिए रखना है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रखना है, तो उस कंपनी में एज सच कोई एक्साइटमेंट दिख नहीं रही है। देखिए बांग्लादेश में जो है गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो वहाँ के टेक्सटाइल सेक्टर का काम भी इनके पास आ रहा था, तो अभी तक तो एज सच कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बट इनके पास एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि रिलायंस इनका हिस्सेदार है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो आप तकरीबन तकरीबन 18-19 के लेवल पे इसको बाई कर सकते हैं, 22 का जो सपोर्ट है उसको ब्रेक होने के बाद।
तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप ट्रेड कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।